लखीमपुर में हुई हिंसा पर सीतापुर में समाजवादी के कार्यकर्ताओं ने जमकर काटा हंगामा, पुलिस ने किया नजरबंद। आपको बताते चले, सीतापुर में लगातार लखीमपुर में हुई किसानों के साथ हिंसा को लेकर सियासत गरमाती जा रही है। आज सीतापुर में सपा कार्यालय से लखीमपुर के लिए पैदल सपा के पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल निकले। जैसे ही रोड पर आए तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा, जिसके बाद पुलिस के साथ झड़प हो गई। उनकी मांग है कि मंत्री अजय मिश्रा को मंत्री पद से इस्तीफा दे और उनके बेटे को हत्या का मुकदमे में जेल भेजा जाए, जिसके बाद पुलिस ने राधेश्याम सहित भारी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन में नजर बंद कर दिया। पिताजी क्या मामला? हाँ, सीतापुर के नौजवान पार्टी के सभी कार्यकर्ता हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में लखीमपुर पैदल मार्च करने जा रहे हैं। जो किसानों के साथ जुल्म जास्ती हुई है उसके खिलाफ हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी पार्टी की तरफ से मांग है कि ये हत्यारी सरकार बर्खास्त की जाए और जो किसान मारे गए हैं उनको न्याय मिले और केंद्रीय मंत्री जो है उसको गिरफ्तार किया जाए, उसका इस्तीफा लिया जाए और उसके बेटे ने जो निर्दोष किसानों को जिनकी हत्या हुई है उसको जेल भेजा जाए। आपके साथ कितने कार्यकर्ता? हजारों की तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हुजूम के साथ में जा रहे हैं लखीमपुर। राधेश्याम।